हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं रुबाब जाहिद। अच्छा जी व्यूअर्स, मम्मा को और खुशी को बहुत सारे प्रेजेंट मिले हैं, मम्मा को मदर्स डे के और खुशी के बैप्टिज्म के लिए। खुशी की माशो लोगों ने, नानो लोगों ने, पुप्पो लोगों ने, शब ने मनी दिए, गिफ्ट दिए हैं, वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर खुशी मैडम का मूड अच्छा हो जाएगा तो फिर हम शेयर भी कर लेंगे। खुशी मैडम को मम्मा ने नीनी कराई थी, कि खुशी भी हो जाए, तो फिर मम्मा वीडियो बनाए, लेकिन नहीं, खुशी को उठ के लो या खुशी को उठ के रो ले। बताओ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों के व्लॉग्स देख सकूं, और बहुत कम टाइम होता है क्योंकि मुझे फ़ोन बहुत मुश्किल से मिलता है। वेकेशंस हैं बच्चों की वेकेशंस हैं, तो मोस्टली गेम्स खेलनी होती हैं उन्हें फ़ोन में, और इसके अलावा टीवी देखना होता है क्योंकि 2 घंटे के लिए सिर्फ ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद उनकी यही एक्टिविटी है। और फिर अगेन मेरे सब्सक्राइबर का थैंक यू, जो लोग वीडियो देखते हैं अपना टाइम निकाल कर उनका थैंक यू, और जो इस वक्त भी वीडियो देख रहे हैं उनका भी थैंक यू भाई कि आप हमारी वीडियो देखी और टाइम निकाला, इसके लिए शुक्रिया। और क्योंकि आप लोगों की ही बदौलत जो है वो यूट्यूबर्स जो है वो कामयाब होते हैं, उनका चैनल ग्रो करता है, और देखने वाले नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सेकेंडली ये कि मम्मा को और जीशु को बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंट मिले हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और खैर एक हफ्ता गुजर चुका है हमारे प्रोग्राम को, लास्ट संडे था जिसल का बपतिस्मा और मदर्स डे था। मदर्स डे पे मुझे जो प्रेजेंट मिले वो और जो जिसल को उसके बपतिस्मा के प्रेजेंट मिले वो हम दोनों आपके साथ शेयर करते हैं। और जाइन और एबनर दोनों भाई पागल हो रहे हैं, एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे ना रात के टाइम बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं, और फिर मैं कुछ रखती हूँ ज़रूर अपने पास खाने के लिए, तो इस वक्त मैं खा रही हूँ बेकरी की बिस्किट। खाने के बाद कुछ खाने को दिल चाहता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है रात के टाइम खाने के लिए। जैसे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेस चिप्स वगैरह, बिस्किट्स, कुछ भी मिल जाए मतलब रात में टाइम पास करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जिस के टूथब्रश शेयर करूँ कि अपने, पहले मैं सोच रही हूँ अपने करती हूँ। लास्ट मदर्स डे भी गिफ्ट किया था और सेम कलर था, फिर मैंने बहुत ज़्यादा पहना था वो भी सूट, जे डॉट का है, ये मुझे सादिया भाजी ने गिफ्ट किया है, यही सेम कलर जो है ना, यही सेम कलर भाजी ने मुझे लास्ट मदर्स डे भी गिफ्ट किया था। यस जी, तो भाजी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजी बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनैलिटी है, बहुत केयरिंग है, अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती हैं, और एक अच्छा इंसान होने के लिए ये खसूसियत काफ़ी है कि इंसान अपने हर रिश्ते को उसकी इज्जत देना जानता हो। खैर मैं बाजी के लिए मैं भी सूट लेकर आई थी, और मैंने सोचा था मैं बाजी को सरप्राइज़ करूँगी, लेकिन वो मेरे लिए सूट ले आई, उन्होंने आकर मुझे सरप्राइज़ कर दिया। हज़ाना ने मुझे बैंगल्स दिए थे, वाइट कलर के बैंगल्स, और वो मैंने अभी ज्वेलरी बॉक्स में रख दिए हैं। हज़ाना ने मुझे मदर्स डे पे दिए थे, रीमू की बेटी हज़ाना ने, और ये वाला सूट मुझे वन पीस बैकू ने गिफ्ट किया था। खैर मेरा और बैकू का 2 ईयर्स का डिफरेंस है, लेकिन बैकू मुझे इतनी इज्जत देती है, उसके लिए बैकू का थैंक यू, आई लव
लव यू बैकू। और खैर मैं अपनी तीनों बहनों से बहुत बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। और बैकू का मेरा 2 ईयर्स का डिफरेंस है, रीमू का और मेरा 4 ईयर्स का डिफरेंस है, और खट्टू का और मेरा जो है वो है 9-10 ईयर्स का डिफरेंस है। और खट्टू तो खैर बिल्कुल मेरे बच्चों के जैसी है। और खट्टू ने मुझे ये दिया है, खट्टू ने मुझे ये वाला ये है सफायर का टूथपेस्ट। अच्छा, ऑरेंज कलर पहनने का मेरा काफ़ी टाइम से ही दिल चाह रहा था, लेकिन मुझे भी प्रिंट पसंद नहीं आता, खैर ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो आप मेरे जीसू के दूध की बारी है। ये वाली जो है ये डक्की जो है वो बैकू मासा ने गिफ्ट की थी, और ये वाला सूट रीमू मासा ने गिफ्ट किया है, इसके साथ हेयर बैंड भी है। और ये सूट जो है नानो ने गिफ्ट किया है, ये जम सूट बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपनी पसंद से लिया है। और ये वाला सूट जो है ये फ्रॉक्स वगैरह भी उन्होंने गिफ्ट की है। सो थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, और गिफ्ट देने वालों का भी बहुत शुक्रिया। और बाकी को लोगों ने सबने जीसू को मनी दी थी कि अपनी पसंद से जीसू के लिए मैं गिफ्ट लेकर आऊँ, जो भी उसे चाहिए हो, जो चीज़ जीसू की चाहिए हो वो मैं लेकर आऊँ। यस व्यूअर्स, और बाकी बुखो लोगों ने और दादाओं ने जीसू को मनी दी थी कि जीसू को जो चीज़ चाहिए हो, जिसको ज़रूरत की चीज़ हो वो मैं लेकर आऊँ। सो थैंक यू सबका, हमारा इवेंट अटेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, तमाम देखने वालों को अगेन थैंक्स बोलते हैं, इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारे साथ रहें, नई वीडियो के इंतज़ार में रहें। अच्छा जी, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।